राजकुमारी सिंड्रेला कुछ क्रैनबेरी लेने के लिए जंगल में टहलने निकली। अपनी टोकरी में छोटे छोटे क्रैनबेरी भरने के बाद उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। बचाओ! वो कौन है और वो आवाज कहाँ से आ रही है? जब सिंड्रेला ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक विशाल हाथी ऊपर की ओर उड़ रहा है। क्या उड़ने वाला हाथी? कुछ भी, ये कैसे हो सकता है? मेरी मदद करो, मैं नीचे नहीं आ सकती। हाथी ने आकाश में छलांग लगा दी थी। जब जंगल के एक सर्कस प्रदर्शन के दौरान उसकी रस्सी टूट गई। हालांकि उसके दोस्तों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे उस तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि सिंड्रेला एक राजकुमारी है जो जानवरों से बात करने की क्षमता रखती है। उसने तुरंत हाथी को बुलाया। ए हाथी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सिंड्रेला, ओह कृपया मेरी मदद करो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। सिंड्रेला ने जोर से सीटी बजाई और एक छोटे सफेद कबूतर को बुलाया। उसने उसे अन्य कबूतरों के साथ हाथी की मदद करने के लिए कहा। नन्हा कबूतर उड़ गया और अपने दोस्तों को बुलाने चला गया। पर आकाश में इतनी तेज धूप थी कि हाथी को डर लग रहा था कि जिस गुब्बारे से वो जुड़ी हुई थी वो पिघलकर जमीन पर न गिर जाए। काश बादल थोड़ी देर सूरज को ढक दे और मेरे गुब्बारे की रक्षा करे, मुझे डर लग रहा है। जब हाथी उत्सुकता से मंडरा रहा था, सफेद कबूतरों का एक झुंड उसके पास आया। कबूतरों ने अपने पंख फड़फड़ाए और हाथी को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि वो मुश्किल से उसे थोड़ा हिला सके। जब सिंड्रेला ने महसूस किया कि कबूतर उसकी मदद नहीं कर सकते, तो उसने मेंढक टिडालिक से मदद मांगी। अब मैं बहुत व्यस्त हूँ सिंड्रेला। स्वादिष्ट पानी, मुझे पानी बहुत पसंद है। कृपा करो टिडालिक, केवल तुम ही उसे बचा सकते हो। जब सिंड्रेला ने उसे बताया हाथी को कैसे बचाया जा सकता है, तो मेंढक उसके विचार पर मोहित हुआ और सफेद कबूतर पंखों पर कूद गया। कबूतर टिडालिक को हाथी के पास ले गया। डरो मत, अब तुम कॉटन बॉल की तरह धीरे से उतरोगी। गुब्बारे की तरह टिडालिक ने अपना मुंह और पेट हवा से भर दिया और हाथी को अपना पैर पकड़ने के लिए कहा। कुछ कबूतरों ने भी उसका साथ दिया। फिर कबूतर के उस गुब्बारे को फोड़ने का समय आ गया जिससे हाथी बंधा हुआ था। ओह, क्या आपको यकीन है? क्या ये योजना सच में काम करेगी? हाँ, डरो मत हाथी, उन पर विश्वास करो। जब कबूतर ने अपनी चोट से गुब्बारा फोड़ दिया, मेंढक टिडालिक हाथी को ले जाने लगा। सिंड्रेला ने प्रशंसा की कि कैसे सभी जानवर एक परिवार की तरह साथ काम करते हैं। धीरे धीरे बहुत छोटी सांसों के साथ मेंढक हाथी को सुरक्षित रूप से वापस जमीन पर ले आया। हाथी इतना खुश था कि उसने तुरंत सिंड्रेला को गले लगा लिया। धन्यवाद सिंड्रेला, अगर तुमने मुझे ना देखा होता तो गुब्बारा फट जाता और मैं जमीन पर गिर जाती। अब तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें न केवल मुझे बल्कि टिडालिक और कबूतरों को भी धन्यवाद देना होगा। हाथी द्वारा कबूतरों को अपनी सूंड से चूमने के बाद उसने मेंढक को अपनी पसंदीदा चीज दे दी। हाँ पानी, मुझे फिर से प्यास लग गई।